शिमला बस अड्डे पर कांग्रेस ने बांटे सैनिटाइजर और मास्क। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हिमाचल कांग्रेस ने आज राजधानी शिमला के ISBT में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किया। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर स्वयं इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने वहां उमड़ी भीड़ के बीच सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किया। देहरा पहुंची टूरिस्ट बसों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत से भेजा वापस। पर्यटकों को हिमाचल आने से रोकने के लिए नाके भी लगाए गए हैं, बावजूद इसके हिमाचल में चोर रास्तों से बसें पहुंच रही हैं। शुक्रवार को इसी तरह पर्यटकों से भरी दो बसें देहरा पहुंची। इन बसों को पुलिस ने रोका। हरियाणा नंबर की इन बसों में पर्यटक भरे हुए थे, जिनमें कुछ विदेशी भी थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बसों को वापस भिजवाया। अनीता वर्मा बोली, जनता कर्फ्यू एक अच्छा निर्णय। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर PM नरेंद्र मोदी के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के आह्वान का हमीरपुर की जनता ने समर्थन किया। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि PM मोदी का 22 मार्च को जनता का कर्फ्यू का आह्वान एक अच्छा निर्णय है, लेकिन जनता को भी स्वयं ऐसा निर्णय लेना चाहिए। 22 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ने आग्रह किया है कि एक सेल्फ कर्फ्यू लोग अपने ऊपर लगाएं, ये एक अच्छा निर्णय है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारे नेताओं को हमें बताना पड़े। हमें स्वयं पूरे दुनिया के और नज़र देखकर अपना निर्णय लेना चाहिए। और ये निर्णय इटली में और फ्रांस में भी हुआ था। रात को 10 बजे लोगों ने बाहर आके जो हमारे कर्मी थे उनके लिए तालियां बजाएं, उनको एक बहुत बड़ा एक सौगात दिया तालियों के अभिनंदन कर। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम उनको देखते हुए हिंदुस्तान में भी ऐसे करें तो कोई बुरी बात नहीं है। मंडी की दुकान में मास्क सैनिटाइजर मिलेगा फ्री। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंडी शहर के मोती बाजार के सर्राफा कारोबारी राजा सिंह मल्होत्रा ने पहल करते हुए अपनी दुकानों पर ग्राहकों की सुविधा के लिए सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। जो भी ग्राहक दुकान पर आ रहा है उसे हाथ साफ करने के लिए पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है और बाद में मास्क। सबसे पहले तो आपने जैसे देखा कि हमने बोर्ड लगाया हुआ है बाहर, हम हाथ नहीं मिला रहे हैं किसी से भी। हम नमस्ते करके अपनी भारतीय संस्कृति को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस वायरस से बचने का एक सबसे आसान तरीका भी अपनाया है हमने। और जो भी ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं उनको हम मास्क भी प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे जिनके पास नहीं है, और साथ में सैनिटाइज करा के ही उनको अंदर आने दे रहे हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। हिमाचल प्रदेश पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने आम जनता को आश्वस्त किया है कि जनता कर्फ्यू के दौरान 22 मार्च को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। पंप आवश्यक सेवा में आते हैं इसलिए खुले रहेंगे। एसोसिएशन ने पंप बंद करने की अफवाहों के शिकार न होने की जनता से अपील की है। कोरोना से बचाव को ऊना के खड्ड में बनाया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऊना के स्वास्थ्य विभाग ने गांव खड्ड में बने बहुउद्देशीय भवन को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया है। खड्ड के क्वारंटीन सेंटर में कुल 27 कमरे हैं, जिसमें से फिलहाल विभाग द्वारा 10 कमरों को तैयार कर दिया गया है। इन कमरों में एक एक व्यक्ति को रखने की व्यवस्था की गई है। लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उनको हम आइसोलेशन वार्ड में अपना रखेंगे, अपना हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे और टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट करवा के उसका ब्लड टेस्ट और नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब लेके टांडा भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आते ही जो है, जो भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो पेशेंट को टांडा शिफ्ट किया जाएगा। अगर नेगेटिव है तो तब तक आइसोलेशन वार्ड में रहेगा जब तक उसके सिम्टम खत्म, लक्षण जो है ख़त्म नहीं होते, उसके बाद घर भेज देंगे। मंडी में खुली रहेंगी सभी दुकानें, खाद्य पदार्थों की नहीं कोई कमी। कोरोना वायरस के कारण आने वाले दिनों में बाजार बंद रहने की अफवाहों को DC मंडी ने खारिज किया है। इस मसले पर DC ने व्यापार मंडल मंडी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी प्रकार की दुकानें खुली रखने की अपील की है ताकि जरूरत की सभी चीजें आम जनता ले सके। जिस डिग्री से हासिल की नौकरी वे MBU ने की थी जारी। जिला सोलन में
मानव भारती यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री मामले की जांच में पता चला है कि एक महिला ने यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर जिला रोजगार अधिकारी का पद हासिल किया था, लेकिन जब जांच हुई थी तो उसकी डिग्री फेक पाई गई थी। यूनिवर्सिटी ने भी अपनी इस डिग्री को फर्जी बताया था और कहा था कि इस डिग्री से उनका कोई लेना देना नहीं है। फर्जी डिग्री मामला जो है मानव भारती यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें SIT लगातार काम कर रही है। इसमें हमें जो एक 22 नंबर हमारा केस है जो मिसेज ममता ने करवाया है उसको लेके कुछ अहम एविडेंसेस मिले हैं। इसमें जो हमने CPUs एक आरोपी की उस पर निशानदेही पे माधव यूनिवर्सिटी से बरामद किए थे उनको FSL भेजा गया था, जहां से हमें FSL से एक वर्किंग कॉपी दी गई है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। तो इस वर्किंग कॉपी को जब एनालाइज किया गया तो इसमें जो ममता से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो सारा का सारा होना पाया गया इसी हार्ड डिस्क में, जो कि ये साबित करता है कि ये डिग्री जो है यहीं से गई है। हालांकि इसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो FSL हमें बाद में देगा, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमें कॉपी मिली है उससे ये चीज अभी तक वेरीफाई हुई। चांजू 2 परियोजना में चट्टान गिरने से मजदूर की मौत। चुराह की चांजू 2 परियोजना में चट्टान के गिरने से 3 मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना तीसा की टीम मौके पर पहुंची। सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नेताओं की फोटो लगाकर गधों से ढुलवाया पानी। उपमंडल शिलाई के ग्वाली गांव में पेयजल किल्लत से त्रस्त ग्रामीणों ने विधायक हर्षवर्धन चौहान और पूर्व BJP विधायक बलदेव तोमर समेत IPH मंत्री महेंद्र सिंह के फोटो गधों पर चस्पाकर पानी ढुलाया। पिछले लंबे समय से ग्रामीण गधों पर पानी ढोने को विवश हैं। लोगों को दूर दराज स्थित बावड़ी से पीने के पानी की ढुलाई करनी पड़ रही है।